छत्तीसगढ़ के विधानसभा का चौथा दिन आज कई मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ का सदन गरमाया हुआ था। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी कई मुद्दों पर सवाल जो थे वो सरकार से लेने की कोशिश की, विभागों से लेने की कोशिश की, जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा था जिसको लेकर SIT की गठन भी किया गया है, जो लता उसेंडी है विधायक, उन्होंने पूछा था कि सोलर लाइट को लेकर जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी क्या जाँच की जाएगी, उसको लेकर घोटाला भी हुआ है। इस मामले को लेकर पुरजोर तरीके से लता उसेंडी ने उठाया था। प्रदेश भर में सोलर लाइट को लेकर लगाने को लेकर घोटाले का जिक्र उन्होंने किया था, जिसको लेकर अब विधानसभा समिति गठन करने का जो निर्देश है, जो समिति की जांच की बात है, वो जो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं उन्होंने कह दिया है। क्या कुछ कहा है दोनों ही विधायक और मंत्री ने सवाल और जवाब में, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आदि आदर्श ग्राम की योजना के तहत जो केंद्र से अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई थी सोलर ऊर्जा को लेकर, हाइब्रिड सोलर के लिए प्लान था और उसका टेंडर किया गया था, लेकिन हाइब्रिड ना लगा के सोलर पे काम हुआ है। और अगर देखा जाए तो सारे तथ्यों को भी छुपाने का टेंडर प्रक्रिया पे पूरी तरीके से गड़बड़ी की गई। जिन कर्मचारियों के ID से और जिनकी उपस्थिति में जो टेंडर होता था, वहाँ जो सक्षम अधिकारी थे वो वहाँ ऑफिस में ना बैठ के कहीं और जाके टेंडर फ्लोट किया उन्होंने। और 9 बजे टेंडर खुलता है और 9:30 बजे टेंडर क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से इस मामले में देखेंगे तो जो भ्रष्टाचार का आलम है वो दिखाई पड़ता है। और ये पूर्ववर्ती सरकार में 21-22 का मामला है जिसे मैंने आज विधानसभा में उठाया है। सबसे बड़ी बात, जांच के लिए कुछ लोगों ने लिखकर भी दिया था, जांच भी की गई, लेकिन जांच के साक्ष्यों को भी छुपाने का प्रयास किया गया सक्षम अधिकारियों के द्वारा। तो आज हमने माननीय मंत्री जी से मांग रखा था और माननीय मंत्री जी ने उसे विधानसभा समिति के समक्ष जांच करने की घोषणा की है। और दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी हो जाएगा। सुश्री लता उसेंडी जी ने पूछा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र और जिले में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सोलर लाइट का जो स्वीकृति दिया गया उसमें गड़बड़ियों को लेकर के उनकी चिंता थी, और बाकी मद की राशि को भी सोलर लाइट के माध्यम से ही खर्च करने का दिखाया गया, जिसके काफ़ी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था। इन सब को देखते हुए हमने उनके मांग के अनुरूप उसे जांच कराने के लिए सहमति दी। और चूँकि जो भी है, जो भी शिकायतें हैं, वो स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश को जानने का अधिकार है, और इस जांच का जो भी निष्कर्ष आएंगे वो सब जो है आपको अवगत कराया जाएगा। तो आपने सुना कि किस तरीके से समिति इसकी जांच करेगी, लेकिन ये पहली समिति नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी 6 महीने जिस तरीके से भाजपा सरकार के यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, और अब तक विधानसभा का जो सत्र लग चुका था बजट सत्र के दौरान में, और अब तक 21 से ज़्यादा मामलों पर जांच समिति बन गई है। सदन के अंदर लगातार इस मामले को भी उठाया गया कि इससे पहले जो जांच समितियां बनाई गई थी उनके भी रिपोर्ट नहीं आए हैं, और आज फिर से एक जांच समिति बनाने की जो घोषणा है वो यहां पर कर दी गई है। बहरहाल, इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी आज सदन के अंदर में चर्चा हुई, जिसमें विधायक सुशांत शुक्ला ने पूछा कि आखिरकार जो पंजीयन कार्यालय है उसके लंबित प्रकरणों की कार्रवाई जो है वो कब तक की जाएगी, और इसके साथ में ही जो पंजीयन की विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने और उस पर ट्रांसपेरेंसी लाने की जो बात है, मांग है, वो उन्होंने की थी। और 5 साल में जो पंजीयन किया गया है क्या उसे निरस्त किया जाएगा, ये सवाल भी उन्होंने उठाया था। लगातार इस मसले को लेकर राजेश मूणत ने भी कहा कि पूर्व सरकार में जो 30% तक स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे दी गई थी, उन छूट का लाभ क्या जिस तरीके से जो शुल्क लिया जाता है वो पूरी तरीके से कैश लिया गया या ऑनलाइन लिया गया, इसकी जानकारी भी मांगी गई थी। क्या कुछ कहा सुशांत शुक्ला ने, और इसके जवाब में वित्त मंत्री OP चौधरी ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुन लीजिए। विधानसभा में प्रदेश में बढ़ते अवैध प्लाटिंग की और उनकी पंजीयन की व्यवस्था पर मेरे द्वारा प्रश्न उठाया गया, माननीय मंत्री OP चौधरी जी द्वारा जवाब दिया गया है। जो सरकारी तौर पर जवाब आया है उससे मैं संतुष्ट हूं, और मैंने कई पूरक प्रश्न उस पर किए, जिसमें पहला पूरक प्रश्न तो ये है कि अनुभागीय दंडाधिकारी राजस्व, यानी जिसे हम SDM कहते हैं, उनके माध्यम से जिन खसरों पर रोक लगी है वो पंजीयन कैसे हो जा रहे हैं। दूसरा हमने पूरक प्रश्न पूछा उनसे कि ऐसे
वो सभी मामले जो माननीय न्यायालय में लंबित हैं और जिसकी सूचना पंजीयन विभाग को दी गई है, परंतु वो भी पंजीकृत किए जा रहे हैं। तीसरा, हमने पूछा उनसे कि ऐसे कोटवारी जमीन कितने हैं जिनमें राजस्व अभिलेखों में कोटवारी जमीन अंकित है, उसके बाद भी पंजीयक द्वारा संबंधित जमीन को पंजीयन कर दिया जाता है। और जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भूमि सत्यापन या निर्माण सत्यापन के नाम पर जो भवन के नक्शे रोके जाते हैं, पंजीयन रोके जाते हैं, उसको मौका स्थल निरीक्षण के नाम पर पंजीयक अधिकारी लाखों रुपए वसूल करके व्यापक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने आज सदन में आश्वासित किया है कि संबंधित विषय पर जांच की जाएगी और एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा राजस्व, आवास एवं पर्यावरण के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और नगर निगम, ये तीनों की एक संयुक्त कमिटी इंटीग्रेटेड बनाई जाएगी जिससे ये व्यवस्था समाधान की ओर बढ़े। परंतु मुझे आशंका है कि इस कालखंड का दुरुपयोग भूमाफिया ना कर लें, इस पर मैं आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसी व्यवस्था अविलंब देवे। तो आपने सुना कि सुशांत शुक्ला ने किस तरीके से सवाल उठाए हैं। हालांकि ओपी चौधरी ने इसके जवाब में कहा है कि इसकी जांच भी करवाई जाएगी और इसके लिए एक एप्लीकेशन भी बनाया जा रहा है ताकि पूरी तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्री और अन्य स्टाम्प ड्यूटी के साथ में तमाम जो कार्य है उसको पारदर्शिता के रूप में किया जाए। साथ ही साथ जो स्टाम्प शुल्क है वो भी ऑनलाइन लेने की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली गई है और इससे पहले जो मामले आए हैं उन मामलों की जाँच करने की भी बात यहाँ पर ओपी चौधरी ने कही है। मैं आपको बता दूँ कि प्रदेश भर में रजिस्ट्री को लेकर, पंजीयन को लेकर ऐसे कई मामले थे जो सदन के अंदर लगातार विधायकों द्वारा उठाया जा रहा था और पुरजोर तरीके से उठाया गया था, लेकिन एक बड़ा चैलेंज यहां पर सरकार के लिए है कि आखिरकार जिन मामलों में कैश डील किया गया है उसको लेकर किस तरीके की परिस्थितियां हैं। ये तमाम जो विषय हैं वो फिलहाल अब सरकार इस पर किस तरीके से एक्शन लेगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा 19 जो ऐसे मामले हैं, 19 मामलों में 19 जो कंपनियां हैं उन पर भी यहां पर डोलोमाइट के जो खदानें हैं शक्ति जिले की, उन पर भी यहां पर जांच की बात, जो मांग थी वो यहां पर रखी गई थी और उसको लेकर अब चरणदास महंत ने के साथ में तमाम जो विपक्ष के नेता है और पक्ष के नेता है उन्होंने 19 खदानों की स्वीकृति को लेकर जो मुद्दा उठाया था वो भी मुद्दा यहां पर गरमाता हुआ नजर आया और उसकी भी जांच को लेकर ओपी चौधरी ने यह कहा सदन के अंदर में कि 19 खदानों की जांच जो है वो आने वाले विधानसभा सत्र से पहले पूरी करवा ली जाएगी। उन खदानों में किस तरीके से काम हो रहा है, कि तय पैरामीटर पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है और किसानों को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये मुद्दा उठाया था चरणदास महंत ने। फिलहाल सरकार को घेरने की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों की तरफ से देखने को मिला है, लेकिन ऐसे में सरकार ने जो जांच समितियां गठित करने के साथ साथ जिन मुद्दों को लेकर गंभीरता से उन पर जांच करवाने की बात कही है, आने वाले दिनों में उनमें क्या परिस्थितियां होती हैं, कितने सुधार आते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होगी। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।